लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है। आज ये नहीं होता तो मैं नहीं होता, मेरा मतलब मेरा अखबार नहीं होता। इसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज मेरा अखबार इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, इसलिए मैं इसे अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ। वाओ, लेकिन ऐसे अच्छे मौके पर आप अकेले ही आए, अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? वो तो शादी पे भी नहीं आ सकेंगी। क्यों? वो आएंगी तो फंस जाएंगे। क्या है कि मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी अभी शेखर जी कुछ फंसने फंसाने वाली बात कर रहे थे। अब आपसे क्या छुपाना समझी जी, मेरी बीवी की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए बहुत करीब से देखा है। 9/11 उस वक्त आपकी बीवी अमेरिका में थी? जी नहीं, टीवी पे देखा उसने। टीवी पे? बस उस हादसे का इतना गहरा असर हुआ है कि शादी पे लाना काफी रिस्की हो सकता है, पता नहीं क्या तूफान खड़ा कर दे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे पंडित जी, मुहूर्त निकालने में आप कितना समय ले रहे हैं? भाई साहब, एकदम पक्के होते जा रहे हैं आप। क्या मतलब? अगर ऐसे झूठ बोलते रहे ना तो प्रेम भाई साहब से भी आगे निकल जाएंगे आप। क्या हुआ? अचानक काहे आंख भड़कने लगी? कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? हमें भाई आंख भड़के तो बुरा होता है। अरे यार, ये मेरी आंखें भड़कने लगी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। तो फिर किस तरह की लड़की हो? मैं बहुत ही शरीफ, इज्जतदार और खानदानी लड़की हूँ। तो यहाँ इस होटल में क्या कर रही हो? वो पति से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा, पत्नियाँ झगड़ा करके मायके जाती हैं, और तुम? देखिए इंस्पेक्टर, हमारे खानदान की परंपरा यही है, हम लोग जब झगड़ा करते हैं तो होटल में जाके रहते हैं, मायके जाके मायके वालों को बदनाम नहीं करते। ये तेरे साथ में कौन है? ये तुम्हारा छोटा भाई है। क्यों था बहन, क्या हो गया दीदी? देखो ना इंस्पेक्टर साहब, क्या क्या? अच्छा, तो तेरा भाई गुजराती है? ए, चलो चल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हो सकते हैं, तो ये गुजराती क्यों नहीं भाई हो सकता? लेकिन ये तेरे साथ यहाँ क्या कर रहा था? ये मुझे मनाकर घर ले जाने के लिए आया था। दीदी घर चलो ना, जीजा जी भी बहुत परेशान होंगे। अरे इंस्पेक्टर भाई, हम दोनों तो ना होटल के रूम में बैठ के फैमिली प्लानिंग, नो फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे थे। रिलायंस की कसम, अगर तेरी बहन शादीशुदा है तो इसका पति भी जरूर होगा। कहाँ है? संडे 11 बजे जज सक्सेना के घर में। तेरे को मेरे पति से मिलना ना, बस इतनी सी बात है, चल। पंचांग के अनुसार यजमान, चंद्रमा 2 दिन राहु में है और 2 दिन शनि में। ये 4 दिन बहुत अशुभ है। इससे पहले का कोई मुहूर्त नहीं निकलता? क्यों जीजा जी, बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। Excuse me. क्या बात है इंस्पेक्टर, कौन है ये? सॉरी सर, ब्लू मून होटल की रेड में पकड़ा है इन्हें। ये कहती हैं कि ये शादीशुदा हैं और इनके पति आपके यहाँ हैं। इनके पति? तुम्हारे पति कौन है? मैंने इन लोग को बोल दिया। नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम डार्लिंग। जाना ही था तो वही होटल बचा था पूरे शहर। ये क्या पहन रखा है अंकल? वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बात कही थी। वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे होटल में ठहरना, वो अब इसका क्या जवाब दूं? अरे क्या जवाब देंगे आप, सब आप ही की गलती है। जब भी आप भाभी से नाराज होते थे होटल में जाके ठहरते थे ना? हाँ, तो फिर ठहरता था। बस यही बात भाभी के दिमाग में बैठी हुई है। उनके बिना आप यहाँ आ गए, बस नाराज हो गई। अब भाभी को कैसे पता कौन सा होटल कैसा है? करेक्ट। लेकिन आप कौन है? मैं इनका साला हूँ, ये मेरी दीदी है। कहा था ना दीदी का ख्याल रखना, घर से बाहर क्यों निकलने दिया? घर से बाहर बस। इंस्पेक्टर साहब, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, अब तो आपको तसल्ली हो गई। इतना कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बोलो कि अगली बार मैं किसी होटल में मिलूं, मुझे नहीं पकड़े। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ। इंस्पेक्टर, आइंदा ये कहीं भी कभी भी मिले, नो अरेस्ट। ओके ओके सर।
आओ बेटी, आओ बेटा। हाय। बहुत अच्छे मौके पर आई हो। पांच दिनों के बाद तुम्हारे देवर की शादी है। किशन जी, आप इन्हें शादी में जरूर लाना। जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं, मुझे मेरे शेखर के लिए ऐसा ही लैपटॉप चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? यस, ये लैपटॉप कितने का है? इट्स बीन सोल्ड मैम, इसका बिल बन रहा है। ठीक है, आप मुझे ऐसा ही दूसरा दे दीजिए। नो मैम, सॉरी, वी आर आउट ऑफ स्टॉक। एनीवेज, आई कैन शो यू अ डिफरेंट पीस मैम। नो, इट्स ओके, थैंक्स। लाइक टू? आई विश मैं शादी की रात शेखर को भी तोहफा देती। जी, ये आप ले लीजिए, मैं दूसरा सिलेक्ट कर लूंगी। नो, इट्स रियली ओके, थैंक यू। शादी का तोहफा पहली रात दिया जाता है, उसके बाद नहीं। आप इनको दे दीजिए। दैट इज सो काइंड ऑफ यू, लेकिन एक शर्त पर, आपको मेरे साथ एक कप कॉफी पीनी पड़ेगी। सोच लीजिए, दो शायद पिलानी पड़ेंगी, मुझे बहुत ज्यादा बातें करने की आदत है। तब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरी आदत भी बिल्कुल आपकी तरह है। सो शैल वी गो? चलो। दोनों की आदतें बिल्कुल औरतों जैसी है। क्या? अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। ओके ओके। अरे सुना तुमने? क्या? अपना बुआ का बलविंदर है ना? हा? अपना बल्लू? हा? उसकी शादी हो रही है संडे को, हम दोनों को पूना बुलाया। आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाने वाली उस घर में जहाँ मेरे सौतन लाने के मंसूबे बनाए जाते थे। ऐसे मौके पर पुरानी बातें भूल जाते हैं काजल, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। बचपना छोड़ो काजल, प्लीज। कहाँ ना नहीं जाना मुझे। काजल तुम बस बस मनवा के छोड़ोगे क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वरना बल्लू घोड़ी नहीं चढ़ेगा, उसकी शादी नहीं हो सकेगी। बल्लू तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। ठीक है, वरना मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। मैं नहीं जा रही हूं तो बुरा लग रहा है, लेकिन आप मेरी भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं ना? और वैसे मेरी भी एक सहेली की शादी है यहाँ संडे को, मुझे उसमें जाना है। हाँ ठीक है। ये किस सहेली की शादी है, वो भी संडे को ही? किसी की भी हो, तू डर क्यों रहा है? कहीं ऐसा ना हो मैं दूल्हा बनकर पहुंचूं और दुल्हन की सहेलियों के बीच आरती के साथ भाभी मेरा स्वागत करे। क्या बोल रहा है यार, अपनी शादी के दिन तू मेरा डिवोर्स करवाएगा क्या? नहीं संजना, वो सहेली नहीं हो सकती। क्यों? देख, संजना ने कभी काजल को देखा? नहीं। कभी काजल ने संजना को देखा? नहीं। कभी मैंने संजना को तेरी भाभी के बारे में बताया? नहीं। कभी तूने भाभी को संजना के बारे में बताया? उसका मौका ही कहां दिया आपने? तो फिर बी पॉजिटिव यार। अरे शादी छोड़ के मत जाइए प्लीज, मेरी बात सुनिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए प्लीज। तीन घंटे शादी में आने का 20,000 तो काफी होने चाहिए ना आप लोगों के लिए। बाकी ठीक है, और ये लीजिए, अब ठीक है। इस चक्कर में तो मुझे घर और ऑफिस दोनों बिकते नजर आ रहे हैं। तेरे फादर लॉ ने तो कहा था इस पगली को साथ ले आना, अरे इसके बिना तेरी शादी मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन हो जाएगी ना मेरी शादी? अरे शुभ मुहूर्त के लिए टाइम ही कितना बचा है, तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, यू बी पॉजिटिव। पीके गुप्ता जिंदाबाद, पीके गुप्ता जिंदाबाद, पीके गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू गुप्ता जी, आइए आइए। बेटा शेखर जी डैडी, ये है मेरा दामाद। और आप इसे पहचानते? बहुत अच्छी तरह। अच्छा, कैसे कैसे? डैडी वो देखिए मम्मी बुला रही है आपको। मम्मी वहाँ? ओ मम्मी, ओ एक्सक्यूज मी, टेक केयर। हाँ मैं भी अभी आया। ये फोटो। बैठ बैठ बैठ। तो फोटो, ये दूसरी शादी का क्या चक्कर है? दूसरी शादी का चक्कर? दूसरी शादी का चक्कर है फोटो। तुम्हारी पहली बीवी को तुमने छोड़ दिया या किसी के साथ भाग गई? दोनों दोनों किसी के साथ भाग रही थी, मैंने छोड़ दी। अच्छा होगा तुम बच गए। चालू लड़की चालू है।
लड़के चालू है। क्या है? वो तो है। I'm coming. कमाल, तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो अपने पति की शादी में शामिल भी हो और खुश भी हो। शादी मेरे देवर की है पीके जी। अच्छा, हाँ। तो शेखर तुम्हारा देवर कब से बन गया? अब जब से ये मेरे पति बने। नमस्ते, नमस्ते, कैसी हैं आप? तुम इनके पति हो? बेस्ट कपल का अवार्ड आपने दिया और आप भूल भी गए? एक बात बताइए। बातें बाद में होती रही है, पहले मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए। भाई साहब, वो मिनिस्टर। अरे तू फिकर मत कर, मिनिस्टर अब मुंह खोलेगा तो सिर्फ लड्डू खाने के लिए। वो देख, अरे बेकार में तू टेंशन ले रहा है, मुझे देख, कोई टेंशन है मुझे? आपकी टेंशन आ गई, वो देखिए। ये यहाँ कैसे आ गई? अब क्या करें? अब टेंशन हुई? अरे ज्यादा चेक मत, मैं तो सिर्फ बराती हूँ, तेरी तो शादी है। भागो। हम लोग भी गए तो उनसे इसके बाद तो बदतमीज, प्लीज देख के चलिए। अजीब आदमी, देख के भी नहीं चलता है। बड़ा बदतमीज आदमी, पीछे ही पड़ गया। भाई साहब, इसके लिए शरीर अभी देता हूँ, थैंक यू। काजल हो? हाँ, आप संजना की मम्मी है ना? अरे भैया, शादी के शुभ अवसर पर ये मातम की शनाई कौन बजा रहा है? देखिए कैसे मिले हम लोग। तुम बैठो ना। वो वही है ना, संजना उधर है। अंकल कोल्ड ड्रिंक दो ना। जाइए यहाँ से। मम्मी देखो ना, अंकल कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहे। मम्मी, ले, ले, खुश, खुश। दूल्हे की ड्रेस क्या पहन रखी है तुमने? मैं ये वही वही वही। आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि शादी मेरी हो रही है? मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक्चुअली भाभी, मेरे दोस्त की शादी है। हर चीज दो खरीदता है, जूते दो, एक खुद के लिए एक मेरे लिए, घड़ी दो, एक खुद के लिए एक मेरे लिए, और ये उसने तो हद कर दी, दूल्हे के ड्रेस भी दो, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। कहीं तो मंगलसूत्र तो नहीं खरीदे उसने? भाभी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक कमाल है। तुम किशन के साथ पूना गए थे ना? वापस आ गए। क्यों? क्योंकि क्योंकि भाई साहब, बताइए हम पूना से क्यों वापस आए? हाँ, पूना, पूना तक हम पहुंचे ही कहाँ? गाड़ी पूना तक जा रही थी और मुझे तुम्हारी एक एक बात याद आ रही थी। क्या? बुआ का तुमसे वो झगड़ा करना, हरदम तुम्हें ताना देना और मुझे दूसरी शादी करने के लिए इनकरेज करना। बस मैंने सनी का हाथ पकड़ा और उतर गया ट्रेन से। अच्छा हुआ जहाँ उतारा वहाँ स्टेशन था, वरना अपने साथ साथ मुझे भी। ए, सनी, जाना, बुला रहे तुझे। अरे खड़े खड़े भूखिया दिख रहा, जाना अपने दोस्त के पास। इसका दोस्त भी अजीब है, इसके बिना ना मंडप में बैठेगा ना शादी करेगा। सुहाग रात के दिन क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्त तो इसका है। आप क्यों सर पे पगड़ी बांधकर रिश्तेदार के जैसे घूम रहे हैं? अरे अरे ये बात भी सही है, मैं अपने सर पर बोझ लेके क्यों घूम रहा हूँ? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरिः ओम विष्णु विष्णु विष्णु। एक सेकंड,
चलो कैसे घर चलते हैं। शादी तो हो जाने दो ना। तुम यहाँ रहोगी तो शादी कैसे होगी? क्या? Hey, what are you doing? मेरा मतलब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो शादी नहीं होगी क्या? Come on, let's go. चलो घर चलते हैं। मुझे दूल्हे का चेहरा देखना है। ये तो दुल्हन से भी ज्यादा शर्मा रहा है। इसका चेहरा तुम नहीं देख पाओगी। अब क्या हुआ काजल? तुम मुझे सीरियसली ले रही? मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही काजल। तुम वहाँ आप क्यों रख रहे हो? इसलिए कि दर्द यहाँ हो रहा है काजल। क्या? हाँ। डॉक्टर को बुला। अरे बुलाने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। चलो, चलो। हाँ। क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग शादी देखो यार। क्या? अरे बोलना पड़ता है, किसी की शादी बिगड़नी नहीं चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो मेरी है ये, एकदम